हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम देखेंगे मल्टी करेंसी BoQ कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मल्टी करेंसी टेम्पलेट कहाँ यूज होती हैं। मान लीजिए हमें एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट देना है जिसमें हमें एक प्रोजेक्ट के लिए उसके कुछ मटेरियल सप्लाई करने के लिए चार करेंसी में बिडर से रेट चाहिए है। इंडियन करेंसी में, यूरो में होगा, जैपनीज में होगा और USD डॉलर में। उसके अलावा इंडियन करेंसी में उसके GST अमाउंट होगा, पोर्ट हैंडलिंग पोर्ट क्लियरेंस चार्जेस होंगे INR में और एनी अदर टैक्सेस एंड ड्यूटीज होगी। लास्ट में उन सब का टोटल होगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम मल्टी करेंसी के टेम्पलेट वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, उसे ओपन करेंगे, मैक्रोज इनेबल करेंगे। यहाँ पे ये मल्टी करेंसी की टेम्पलेट है जो आइटम वाइज बनी हुई है। सबसे पहले कॉलम्स को हम अनहाइड करके देख लेते हैं। शीट प्रोटेक्टेड है, इसे अनप्रोटेक्ट करेंगे। पासवर्ड होगा टेस्टिंग। अनहाइड करेंगे, यहाँ पे ये जो दो कॉलम है आई और जे, ये हमने परसेंटेज रेट में यूज किए थे। के और एल यहाँ पे मल्टी करेंसी में यूज होगा, बाकी को हम हाइड कर देते हैं। लास्ट में एम के बाद ए जेड तक जितने कॉलम है आपको जितने यूज करना है उतने करेंगे, बाकी को हम हाइड कर देते हैं। सबसे पहले हम अपनी टेम्पलेट पे आते हैं। हम यहाँ से ये डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। हमें सप्लाई प्राइस चाहिए, हमें चार करेंसी में चाहिए इसलिए एक रो इंसर्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम आइटम के डिस्क्रिप्शन में ही चारों करेंसी ले लेते हैं। INR में, USD, JPY एंड यूरो। आइटम के कोड हम कुछ भी दे सकते हैं। ब्लैंक हमें नहीं रखना है, ब्लैंक रखेंगे वैलिडेशन में एरर दे देगा। क्वांटिटी हम सब में 1-1 कर देंगे, यूनिट्स लमसम कर देंगे। इसके बाद जो दो कॉलम के और एल, इन्हें हम अभी देखते हैं। पहले हम पूरा फॉर्मेट डिजाइन कर लेते हैं। के और एल मेन कॉलम है, यहाँ पे अब हम GST का ले लेते हैं, इसे हम कॉलम में पेस्ट कर देंगे। इसके बाद पोर्ट हैंडलिंग चार्जेस ले लेंगे। जो भी टैक्सेस एंड ड्यूटीज आपको लेना है वो आप कॉलम वाइज एंटर कर देंगे। लोकल ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस चार्जेस यहाँ पेस्ट कर देंगे। एनी अदर टैक्सेस एंड ड्यूटीज यहाँ लिखा हुआ है, इस कॉलम को हाइड कर देते हैं। अब हमारी ये सिंपल आइटम वाइज BoQ ही बना है। यहाँ पे अब हम देखते हैं कि मल्टी करेंसी जैसे इसे कैसे हमें कन्वर्ट करना है। पहले हम पूरी रो में फॉर्मूला पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉलम के में फुल कन्वर्जन और पार्शियल कन्वर्जन के दो ड्रॉपडाउन दिए हुए हैं। इसका मतलब है कि फुल कन्वर्जन हम तब सिलेक्ट करेंगे जब हमें बेस वैल्यू और टैक्सेस एंड ड्यूटीज दोनों को INR में कन्वर्ट करना है, और पार्शियल कन्वर्जन हम तब सिलेक्ट करेंगे जब सिर्फ बेस वैल्यू को कन्वर्ट करना है और जितने भी टैक्सेस एंड ड्यूटीज हैं उन्हें वो INR में ही एंटर करवाने हैं और वो सीधे कॉलम BB में टोटल होके आ जाएंगे। मतलब कॉलम BA में हमारी बेस वैल्यू कन्वर्ट होके आती है और कॉलम BB में हमारे सारे टैक्सेस एंड ड्यूटीज कन्वर्ट होके आते हैं। कन्वर्ट तब होंगे जब हम फुल कन्वर्जन करेंगे, अगर हम पार्शियल करते हैं तो सिर्फ टैक्सेस एंड ड्यूटीज का वहाँ पर टोटल आ जाएगा। अब हम सबसे पहले INR में, सभी में हम पहले पार्शियल कन्वर्जन को सिलेक्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पे उनकी
जिस करेंसी में हमें बीडर से डेटा चाहिए वो करेंसी सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम इस शीट को वैलिडेट करके देखते हैं। वैलिडेट करने पे ये सबसे फर्स्ट रो जो है उसमें एरर देगा, क्योंकि हमने INR में भी पार्शियल कन्वर्जन सिलेक्ट कर लिया है जो कि गलत है। यहाँ पे जब हम INR लेते हैं तो हमें फुल कन्वर्जन ही सिलेक्ट करना कंपलसरी है। INR को छोड़ के जो दूसरी करेंसी है वहाँ हमें पार्शियल कन्वर्जन लेना पड़ेगा। यहाँ फुल कन्वर्जन इसलिए लेना है क्योंकि जो बिडर होगा वो बेस वैल्यू भी INR में दे रहा है, टैक्सेस एंड ड्यूटीज भी INR में दे रहा है, इसलिए जब हम फुल करेंगे तो दोनों को वो INR में करके कॉलम BB में INR का टोटल देगा, BA में बेस वैल्यूज का टोटल दे देगा। अब शीट को वैलिडेट करके देखते हैं। वैलिडेशन में उसने BOQ1 में एरर दी है क्योंकि BOQ1 एक आइटम रेट BOQ है। सबसे पहले हम BOQ1 को डिलीट कर देंगे और BOQ2 को रीनेम करके BOQ1 नाम दे देंगे। अब शीट को वैलिडेट करके देखते हैं। वैलिडेशन में कोई एरर नहीं है। इस शीट को अगर हम नाम BOQ2 देते हैं तो वो वैलिडेशन में एरर दिखाने लगता है। यहाँ पे अब हमारी मल्टी करेंसी BOQ जनरेट हो गई है। इसे अपलोड करने से पहले हम सारी सेल को प्रोटेक्ट कर देंगे और सेव करके इसे अपलोड कर देंगे। मल्टी करेंसी BOQ में जब हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे कन्वर्टेड रेट आएगा, तो ये जो कन्वर्जन का रेट है, जब भी टेंडर इनवाइटिंग अथॉरिटी टेंडर क्रिएट करती है तो वहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म पे ही वो मल्टी करेंसी का एक ऑप्शन पूछता है। अगर हमने उसे टिक किया है कि हम मल्टी करेंसी BOQ यूज़ करेंगे तो वहाँ पे वो क्या क्या करेंसी हम ले रहे हैं और उसके क्या कन्वर्जन रेट रहेंगे उसके डेटा एंटर करने के लिए बोलेगा। अगर हमने वहाँ पे कन्वर्जन रेट डाल रखा है तो उसी रेट से हमारी BOQ इवेल्युएट होगी, और अगर हम उसे ब्लैंक छोड़ देंगे सिस्टम ऑटोमेटिकली कन्वर्जन के रेट फेच करेगा और उस हिसाब से कन्वर्ट करके इवेल्युएट कर देगा।